गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले 23 दिनों में हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट देकर अब तक कुल विज्ञान के 115 कंसेप्ट को सीखा है। मींस हम लोगों ने अभी 115 कंसेप्ट ऑफ साइंस को लर्न किया है पिछले 23 डेज में। आज हम फिर न्यू 5 कंसेप्ट ऑफ साइंस लर्न करेंगे। आइए हम उसको शुरू करते हैं और देखते हैं वो कंसेप्ट हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा पहला वर्ड है फुलरीन। अब सबसे पहले ये जानना होगा कि फुलरीन क्या है। फुलरीन इज नथिंग बट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब आप पूछेंगे सर एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेफाइट का। सुना होगा ना बच्चों कि ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड का भी नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरह ये जो फुलरीन है, इट इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन का अपरूप है। इसका फॉर्मूला होता है CN, CN होता है। यहाँ पे N क्या है बच्चों, यहाँ पे N है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द फ्लोरीन, जो यूजुअली 22 मैक्सिमम डिफर करता है, 20 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब ये है कि ये कैसे फॉर्म करता है। एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं तो कार्बन एटम आपस में फ्यूज करके रिंग बनाते हैं, और फिर वो रिंग आपस में फ्यूज करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये फ्लोरीन का जो शेप होता है ना, ये फुटबॉल की तरह होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर बॉल में जो रिंग होगा, उस रिंग वो रिंग कितने कार्बन एटम का बना होगा। तो वो रिंग एक्चुअली बच्चों 5 to 7 कार्बन एटम का बना होता है। आइए उसको और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, जस्ट लाइक बॉल, ठीक है। अब यहां अगर हम कार्बन एटम देखेंगे बच्चों, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह जो रिंग बनाई है हमारा कैसा रिंग है, 5 रिंग है। तो 5 रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोन बोलते हैं ना, पेंटागोन। और अगर 7 कार्बन एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेप्टागोन, और 6 होगा तो हेक्सागोन। तो इस तरह मिलके ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, क्लियर है बच्चों। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर को इसको सबसे पहले बताया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था क्या, बकमिंस्टर। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन। और चूंकि इसका शेप देखने में बॉल की जैसा है, तो इसलिए हम लोग इसको बक्की बॉल भी बोलते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब आज का नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है कार्बन। अब कार्बन क्या है, देखो बच्चों जब भी हम बात करेंगे ना एलिमेंट का, कार्बन क्या है एलिमेंट, तो हम लोग के पास 3 तरह का ही एलिमेंट होगा। कौन कौन होगा बच्चों, या तो वो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या मेटेलॉइड होगा, यही होगा। मतलब धातु होगा, या अधातु होगा, या मिश्र धातु होगा। तो कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का मास नंबर कितना होता है, कार्बन का मास नंबर होता है 12। और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से IIT में क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। कार्बन का वैलेंसी होता है 2, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। कार्बन का वैलेंसी 2 कब होता है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में। अगर हम कार्बन की वैलेंसी का ग्राउंड स्टेट में बात करें तो वो कितना होगा, 2। और एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो वो कितना होगा, 4। इस पे मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है कार्बन के वैलेंसी के बारे में, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5, तो वहां आपको क्या सही टिक लगाना होगा, 2। तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, हम किसी भी एलिमेंट के एटम की बात करेंगे ना, उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एटॉमिक नंबर। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इट मींस देयर आर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, क्लियर है बच्चों। एक्चुअली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, बट चूंकि एट द टाइम ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, इसलिए ज्यादा सही डेफिनेशन क्या होगा कि हम लोग कंसीडर करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ये क्या है, जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे, उसके एक एटम की बात करेंगे, तो उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उन्हीं को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ
ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। क्योंकि एटम से डिफाइन होता है तो हम लोग इसको एटमिक मास नंबर भी बोलते हैं बच्चों। तो कार्बन का एटमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 12, और अभी हम लोग देखा ही था कि एटमिक नंबर कितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या होगा 6। ये आप लोग को दिमाग में रखना है, आगे हम इसको और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एटमिक मास। सिंपल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना बच्चों, मास ऑफ एन एटम, एटमिक मास क्या हो जाएगा मास ऑफ एन एटम। अब चूंकि कार्बन पे ही हम बात करें कि कार्बन की एक एटम का मास कितना होगा, तो ये होता है बच्चों 12। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आएगा कि 12। अब 12 क्या, जैसे हम लोग मास की बात करेंगे तो ग्राम किलोग्राम यही ना, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं बोलते हैं आलू लेना है 1 kg आलू लेना है, ठीक है, तो केजी लगाया ना, तो यहाँ 12 का, तो 12 यहाँ पे जो यूनिट होता है ना बच्चों वो होता है उसको बोलते हैं एटमिक मास यूनिट, या इसको और में हम लोग 12U भी लिखते हैं, जिसको फर्दर मॉडिफाइड करके बोल दिया गया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ग्राम क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे ना क्योंकि एक्चुअल में एटम क्या होता है, ये तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है ना, तो उसको हम लोग ग्राम में अगर मीजर करेंगे तो बहुत बहुत कम आएगा, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल यूनिट डेवलप किया गया जिसको बोल ही दिया गया एटमिक मास यूनिट। इस पर भी पूरा वीडियो बना हुआ है इस कंसेप्ट पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, ठीक है बच्चों। होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अब हम लोग के पास टोटल कितना कंसेप्ट हो गया 120। देखिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ा के आपको इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन करवाना। थैंक यू वेरी मच।